तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेके आया हूँ, जिससे कि गाइस मैं अपने बालों को खड़ा कैसे करता हूँ। सिर्फ 10 रुपये में मैं अपने बालों को इतना शाइनिंग, और आप फोटो देख सकते हो इतनी अच्छी, जिससे कि आप इसी फोटो की तरह अपने बालों को सेट कर सकते हो सिर्फ 10 रुपये में। मैं ओनली जिससे कोकोनट यूज़ करता हूँ, और इससे ही मैं आप बालों को खड़ा करता हूँ गाइस। तो आप इतनी अच्छी तरह बालों को सेट कर सकते हो, खड़ा कर सकते हो। और जैसे कि आप किसी भी प्रोग्राम में जाते हो, तो ऐसे अगर ऐसे रखते हो अपने बालों को, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको। तो आपको अपने बालों को सेट सिर्फ 10 रुपये में कर सकते हो। और अभी देख सकते हो मैं कैसा लग रहा हूँ, चंपू सा। और अभी मैं ना के आया हूँ। और आप भी बालों को सेट करना चाहते हो, सबसे पहले अपने बालों को धो लो गाइस, अच्छी तरह धो लो। और धोने के बाद आपके पास हेयर ड्राई नहीं है गाइस, हेयर ड्राई नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जिससे कि रुमाल हो सकता है आपके पास। रुमाल तो सबके पास है। पहले रुमाल से इनको वॉश करूँगा, और फिर जिससे कि मेरे पास हेयर ड्राई, अगर हेयर ड्राई नहीं है तो आप रुमाल से अच्छी तरह इसको सुखाओ, और फिर अपने बालों को सेट करते हैं गाइस। सबसे पहले आप अच्छी तरह बालों को सुखा लो। हेयर को जितना सुखाओगे उतना ही शाइनिंग आपके बालों में आएगी, और बहुत ही अच्छी तरह आपके बाल सेट होंगे गाइस, देख सकते हो। मेरे आधे से ज्यादा बाल सूख चुके हैं, और मैं अब हेयर ड्राई का यूज करूंगा। ऐसे हेयर ड्राई, जैसे कि मैंने इसका वीडियो भी बना चुका हूँ, और आपने ये हेयर ड्राई देख ली होगी। आज बहुत दिनों से हेयर ड्राई, और मैं बालों को हेयर ड्राई से सेट करता हूँ, लेकिन आपको बताऊँगा आपके पास हेयर ड्राई भी नहीं है, तो आपके पास जैसे कि ये कोकोनट ऑयल से इतनी अच्छी शाइनिंग दे सकते हो बालों को। तो आज मैं बताऊँगा, सबसे पहले मैं बालों को सुखा लेता हूँ हेयर ड्राई से, और फिर देख सकते हो गाइस मेरे बाल बिल्कुल पूरी तरह सूख चुके हैं, बिल्कुल ही देख सकते हो। और अब आपको करना क्या है, मेरे पास है कॉम, अगर आपके पास जिससे कि वो गोल वाला कंघा है, आपने देखा होगा जिससे कि हम रोलिंग वाला कंघा कहते हैं, और ये वाला जिससे कि आपके घर में मिल जाएगा कहीं पर भी, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और इससे ही हम बालों को सेट करेंगे गाइस। आपको यहाँ से ऐसे करना है और रोलिंग कर देना है, रोलिंग कंघे की जरूरत नहीं है आपको। और आपको करना क्या है, जिससे कि आप देख सकते हो गाइस, आपको बालों को बड़ा नहीं रखना है, सिर्फ आपको छोटा रखना है, जिससे कि आपके बालों में शाइनिंग अच्छी आए, और जिससे कि पूरे दिन चले ये शाइनिंग, और 24 घंटे के लिए ये शाइनिंग रहेगी, और आपको बालों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऊंचे नीचे जिससे कि वो करते हैं ना, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और जिससे कि मैं कर रहा हूँ वैसे करना है आपको, ऐसे करना, और इसको रोलिंग कर देना है। और यहाँ पे ध्यान देना, आप जिससे कि कटिंग कराने जाते हो, ये मैंने एक लाइन लगाई हुई है, जिससे कि उसको बोला है मैंने कटिंग वाले को कि मेरी दोनों तरफ ये लाइनिंग, अगर आपके पास ये लाइनिंग होगी तो इससे आपके बालों को अच्छी तरह शाइनिंग मिलेगी, अच्छी तरह आपके बाल सेट होंगे। तो आपको ऐसा 10-15 बार करना है। आपको करना क्या है, इतना सेट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, जो कि मैंने लिया है अभी कोकोनट ऑयल 10 रुपये का। मैंने अभी कहा था कि 1 रुपये का भी आता है और 10 रुपये का भी आता है, तो गाइस इसको लेना है। और आपको ये कोकोनट ऑयल क्या करता है, आपके जिससे कि ये जाड़ा होता है, और ये अपने बालों को अच्छी तरह शाइनिंग दे पाता है, और मुलायम रखता है अपने बालों को गाइस। और आप सरसों का ऑयल यूज़ करते हो, वो बिल्कुल भी मत करना, जिससे कि कई सारे व्यक्ति मैंने देखा है सफ़ेद बाल आ चुके हैं, और इससे आपके सफ़ेद बाल या कुछ भी नहीं आएंगे। तो मैं थोड़ा सा ऑयल ले लेता हूँ गाइस, थोड़ा सा लेना है, 2 या 3 बूंद लेना है आप, और हल्का हल्का यूज़ करना है, ज़्यादा भी नहीं लगाना है आपको।
देख सकते हो मेरे बाल कितने अच्छे सेट हो चुके हैं आपको। और सिर्फ ये 10 रुपये का कमाल है गाइस, ये ओनली मैं ये यूज़ करता हूँ। अगर आप वैसा भी हेयर ऑयल और कोई सी भी क्रीम, कई सारी क्रीम दिखाते हैं, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा है, और मैं नेचुरल तरीके से आपको घर बैठे इतनी अच्छी शाइनिंग वाले बालों को सेट करना बता दिया है गाइस। और आप ऐसे ही बालों को सेट कर सकते हो। और अदर तेल या क्रीम यूज़ करते हो तो आप गंजे भी हो सकते हो, बाल सफ़ेद आ सकते हैं आपके, मैंने देखा है गाइस, इसलिए आपको ये वीडियो में बना रहा हूँ। तरीके से ऐसे बालों को सेट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी चीज़ लगी है कोकोनट ऑयल, और आप इसको ओनली इसको यूज़ करो अपने बालों को सेट करने में। देख सकते हो मैं नेचुरल तरीके से बालों को सेट करता हूँ, और बिल्कुल भी मेरे बाल स्मूथली और मुलायम सब चीज़ है, और अच्छे भी लग रहे हैं गाइस, आप देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं गाइस।